NH24 जो कि आपका दिल्ली से आगरा को कनेक्ट करता है, ये जो नेशनल हाईवे है इसने पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखी है, स्पेशली NCR के रीजन में। यहाँ पर अगर मैं रियल एस्टेट के टर्म्स में बात करूँ तो पिछले कुछ सालों में कई सारे नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर उभर के आए हैं एंड वो भी काफी अच्छे बिल्डर्स के। इनफैक्ट जो नोएडा वगैरह के प्रोमिनेंट बिल्डर्स हैं वो लोग अब इस एरिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक से एक बढ़कर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। बट अगर मैं नोएडा और बाकी रीजन से इस एरिया को कंपेयर करूँ तो अभी ये रीजन एट प्रेजेंट काफी ज्यादा एक अफोर्डेबल सेगमेंट को टारगेट करता है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स अभी हैं मेजरली वो एक काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में आते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आज NH24 की लोकेशन पर आई हूँ एंड आप सभी के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। गाइस आप लोग देख रहे हैं मुझे रियलिटी 360 डिग्री के यूट्यूब चैनल पर एंड मेरा नाम है जॉली यादव और आज NH24 का जो प्रोजेक्ट मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है दिव्यांश ऑनिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है ये NH24 की लोकेशन पर है एंड इसकी मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट आपका जयप्रिया सनराइज ग्रीन्स के अंदर सिचुएटेड है। NH24 से जो भी लोग यहाँ के बारे में ऑलरेडी जानते हैं उनको पता है कि यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जो भी यहाँ पर रहता है उसको दिल्ली की कनेक्टिविटी मिल जाती है, आगरा तरफ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, प्लस साथ ही साथ और इसके अराउंड के जो एरियाज है, नोएडा एक्सटेंशन हो गया, ग्रेटर नोएडा है, सभी जगह की बहुत ही आसान कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ से अगर मैं नोएडा की बात करूँ, नोएडा 62, तो वो यहाँ से अराउंड आपका 10 से 12 मिनट के डिस्टेंस पर हो जाएगा। नोएडा एक्सटेंशन बहुत ही ज्यादा यहाँ से नजदीक है, वो भी अराउंड आपके 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा अराउंड 20 मिनट्स हो जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली की आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल रही है एंड दिल्ली भी यहाँ से अराउंड 20 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। उसके अलावा आपका क्रॉसिंग रिपब्लिक यहाँ से बहुत ही ज्यादा नजदीक है एंड क्रॉसिंग रिपब्लिक में आपकी सारी जो डेली नीड्स के सामान की चीजें हैं या फिर स्कूल्स की मैं बात करूँ, हॉस्पिटल्स की बात करूँ, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाती है। क्रॉसिंग रिपब्लिक यहाँ से अराउंड आपका 6 से 7 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। प्लस हमारा जो प्रोजेक्ट है जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स में है। जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स आपका बैंग ऑन NH24 पर सिचुएटेड है एंड जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स के बिल्कुल ही ऑपोजिट आपका मणिपाल हॉस्पिटल है। साथ ही साथ उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग यहाँ पर ETS का खाइबर मॉल है। इस लोकेशन के पास भी काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आदित्य वर्ल्ड सिटी है, वेव सिटी है। सो ऑल इन ऑल इसके अराउंड में आपको काफी सारे जो मेजर लैंडमार्क्स है वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी बहुत ही ज्यादा नजदीक है। स्कूल्स आपके बहुत ज्यादा नजदीक यहाँ पर आप मिल जाते हैं। आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर स्कूल्स हैं, साथ ही साथ आप यहाँ से गाजियाबाद के स्कूल्स भी एक्सेस कर सकते हैं। सिद्धार्थ विहार में आपका GPS स्कूल है, वो भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ तो ABS इंजीनियरिंग कॉलेज है, IMS कॉलेज है, संतोष मेडिकल कॉलेज है, ये सब के सब आपके यहाँ से 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। मॉल्स की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद के RDC में आपको काफी सारे मॉल्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। साथ ही साथ शिप्रा मॉल यहाँ से काफी ज्यादा नजदीक है। सो ऑल इन ऑल गाइज मैं आपको लोकेशन एंड यहाँ की कनेक्टिविटी बता चुकी हूँ। अब हम प्रोजेक्ट के ऑलमोस्ट अंदर आ चुके हैं बट आगे जाते हैं और इस प्रोजेक्ट को और एक्सप्लोर करते हैं। कैसे हमारे आज के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स के बारे में बताना चाहूंगी। सो बेसिकली जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स एक 25 एकड़ की टाउनशिप है जो कि बैंग ऑन NH24 इसकी लोकेशन रहेगी। इस टाउनशिप के अंदर आपके अराउंड 5 बिल्डर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स हैं एंड इनमें से एक बिल्डर रहेगा हमारा आज का ग्रुप दिव्यांश ग्रुप, जिनका यहाँ पर प्रोजेक्ट है दिव्यांश ऑनिक्स नाम से। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका अराउंड 4 एकड़ के लैंड पैच में बना हुआ है एंड 4 एकड़ में इनके सिर्फ 4 टावर्स हैं यहाँ पर। अगर टावर हाइट की मैं बात करूँ तो टावर हाइट आपकी रहेगी S+22 एंड S+23। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस की बात की जाए तो 2 BHKs हैं, 3 BHKs हैं एंड 4 BHKs हैं। साइज रेंज आपका रहेगा, जो सबसे छोटा साइज है वो रहेगा आपका 1080 स्क्वायर फीट का साइज एंड सबसे बड़ा साइज यहाँ पर जो अवेलेबल है वो रहेगा आपका 2330 स्क्वायर फीट का साइज। प्रोजेक्ट में आपकी एक एंट्री एंड एक एग्जिट गेट रहेगा। प्रॉपर यहाँ पर सिक्योरिटी रहेगी, CCTV की सर्वेलेंस रहेगी, उसके साथ साथ पार्किंग आपकी रहेगी कम्प्लीटली बेसमेंट में, डबल बेसमेंट पार्किंग यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही साथ अगर मैं अमेनिटीज की बात करूँ प्रोजेक्ट में तो यहाँ पर आपको अराउंड 50% एरिया में ओपन कम ग्रीन एरिया मिल जाता है जिसमें कि आपके पार्क एरियाज इंक्लूडेड रहेंगे। प्रोजेक्ट में आपके 2 पार्क्स रहेंगे, एक पार्क में मैं फिलहाल खड़ी हुई हूँ, एक पार्क आपके टावर्स के उस तरफ रहेगा
एंड आप पार्क एरिया यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉपरली मेंटेन कर दिया गया है, प्रॉपर यहाँ पर ग्रीनरी लगा दी गई है, प्लांट कर दी गई है। साथ ही साथ आप आगे भी देख सकते हैं, आगे आपका किड्स प्ले एरिया भी पूरा रेडी हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर 30,000 स्क्वायर फीट में एक क्लब हाउस भी प्रेजेंट है। क्लब हाउस में अभी फिलहाल सिर्फ फिनिशिंग का काम चल रहा है, पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। एंड क्लब हाउस के अंदर भी अगर मैं अमेनिटीज की बात करूं तो सारी आपकी अमेनिटीज प्रेजेंट रहेंगी। स्विमिंग पूल आपको यहां पर मिल रहा है, बैंकेट हॉल मिल रहा है, रेस्टोरेंट्स मिल रहे हैं आपको, इंडोर गेम्स आपके सारे प्रेजेंट रहेंगे, साथ ही साथ आपके फिटनेस सेंटर्स रहेंगे, जिमनेजियम रहेगा, योगा रूम रहेगा। सो ऑल इन ऑल आपको यहाँ पर अमेनिटीज भी प्रॉपर एंड सारी मिल रही है। क्लब हाउस ऑफ दिव्यान शॉलेट्स, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ यहाँ पर फिनिशिंग का काम चल रहा है, तो आप देख भी सकते हैं क्लब हाउस का सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। इनफैक्ट आपकी ये जो बाकी डिजाइनिंग वगैरह भी है इसका, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ फिनिशिंग का काम चल रहा है। 3 फ्लोर्स का आपका क्लब हाउस रहेगा, जिस सामने यहाँ पर आपका स्विमिंग पूल भी आपका रेडी हो चुका है। इनफैक्ट मैं दिव्यांश ऑनिक्स में नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करूं तो काफी ज्यादा कम यूनिट्स हैं यहाँ पर। अराउंड आपके पूरे 4 एकड़ के प्रोजेक्ट में 605 यूनिट्स ही हैं। साइज रेंज में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्लस एक फ्लोर पर यहाँ पर अराउंड किसी टावर में 5 यूनिट्स रहेंगी, किसी में 6 रहेंगी एंड किसी में एक फ्लोर पर 8 यूनिट रहेंगी, प्रॉपर आपकी लिफ्ट के साथ एंड स्टेयरकेस के साथ। उसके अलावा आप यहाँ पर पीछे का पार्क भी देख सकते हैं, आगे वाला मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ये आपके टावर्स के पीछे के एरिया में रहेगा, ये आपका सेकंड पार्क एरिया है। यहाँ पर आपको प्रॉपर यहाँ पर वॉकिंग एरियाज मिल जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपके सिटिंग एरियाज भी हैं। गाइस सभी आपके इंडिपेंडेंट टावर्स रहेंगे एंड टावर नंबर D1 एंड D4 में आपको सेपरेट एंट्री एरियाज मिल जाते हैं। आपका यहाँ पर रहेगा रिसेप्शन एरिया, तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेजेंट रहेंगे, प्लस आपका इस तरीके से लॉबी एरिया रहेगा। अभी मैं D1 टावर में हूँ एंड यहाँ पर एक फ्लोर पर आपके 5 फ्लैट्स हैं, 3 लिफ्ट के साथ 2 लिफ्ट आपकी इस तरफ। प्लस अभी मैं आपको दिखाने वाली एक 3 BHK का सैंपल अपार्टमेंट एंड 3 BHK है, इसका साइज रहेगा 485 स्क्वायर फीट। प्लस आप ये लॉबी एरिया भी देख सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छी विड्थ में आपको यहाँ पे लॉबी एरिया मिल जाता है। मैं अपार्टमेंट्स के बीच में भी काफी ज्यादा अच्छा डिस्टेंस मेंटेन हो रखा है, सो भी यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। एंड ये रहेगी हमारे अपार्टमेंट की मेन एंट्रेंस, आप यहाँ पर डोर हाइट भी देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी आपको डोर हाइट मिल जाती है। अराउंड आपको 6 से 7 फीट का यहाँ पर डोर मिल जाता है। एंड नाउ लेट्स गो इनसाइड। एंड गाइस जैसे ही आप अंदर आते हो यहाँ पर आपका सबसे पहले हो जाता है ये फॉयर एरिया, एंड फॉयर एरिया के आगे आते ही आपको मिल जाता है आपका लिविंग स्पेस एंड आपका डाइनिंग स्पेस। आप यहाँ पर टाइलिंग देख सकते हैं, सेम एज इट इज आपकी टाइलिंग रहेगी थ्रू आउट दी अपार्टमेंट एंड काफी ज्यादा ये स्पेशियस साइज में आपको मिल रहा है। प्लस इस तरह किचन, सो यहाँ पर आपको एल शेप किचन मिल जाता है। ये आपका रॉ फ्लैट है, दैट मीन्स आपको इसको जैसा देख रहे हो एक्चुअल फ्लैट ही है आपका, इसी कंडीशन में आपको डिलीवर किया जाएगा। किचन भी आपके काफी डिसेंट साइज में है, प्लस किचन में आपको यूटिलिटी एरिया भी मिल जाता है, तो यहाँ पर एक बालकनी भी आपको हेल्प मिल जाती है अपने किचन के साथ। अगेन इट्स अ वेरी गुड साइज। प्लस लिविंग एरिया में आपको एक विंडो भी मिल जाती है just to maintain the, you know, sunlight and proper ventilation. Plus, आप इस तरह आएंगे तो यहाँ से आपके कमरे शुरू हो जाते हैं। इस तरफ रहेगा हमारा बेडरूम नंबर 1. So guys, ये आपका बेडरूम नंबर 1 है। काफी ज्यादा स्पेशियस आपका बेडरूम रहेगा। यहाँ पर आपके वार्डरोब के लिए स्पेस रहेगा। यहाँ आपकी रहेगी कॉमन वॉशरूम, जिसे कि बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता है। वॉशरूम आप देख सकते हैं, सेम आंसर आपकी वॉशरूम रहेगी प्रॉपर टाइलिंग के साथ एंड सारी सैनिटरी फिटिंग्स के साथ। एंड गाइस इस तरफ रहेगी आपकी प्राइवेट बालकनी, ये बालकनी आपकी सेम आंसर रहेगी, स्लाइडिंग डोर्स के साथ आपकी बालकनी मिल रही है। एंड इसी पैसेज से अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पर रहेगा बेडरूम नंबर 2 एंड यहाँ पर रहेगा आपका बेडरूम नंबर 3। लेट्स गो इन दिस वन फर्स्ट।
एंड दिस इज योर बेडरूम नंबर 2. ये भी आपका काफी डिसेंट साइज में आता है. प्लस यहाँ पर भी आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है. गाइस, ये आपकी एल शेप बालकनी है एंड ये एक कॉमन बालकनी है, जैसे कि मैं आपको बेडरूम नंबर 3 के साथ घुमाऊंगी. प्लस इस बालकनी का एक्सेस है, ये आपका स्लाइडिंग डोर्स के साथ मिलेगा. And here we are inside our bedroom number 3. ये पूरा रहेगा आपका bedroom number 3. टाइमिंग आप ऑलरेडी देख चुके हैं. बेडरूम को आप देख सकते हैं, सेम एज इट इज कंडीशन में दिया जाएगा. इस बेडरूम में आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाती है प्रॉपर टाइलिंग के साथ. फुल वॉल लेंथ आपको यहाँ पर टाइलिंग मिल रही है, साथ ही सैनिटरी फिटिंग्स के साथ. यहाँ पर आपके गीजर की भी फिटिंग रहेगी. And here is the attached balcony of this bedroom. ये आपकी कॉमन बालकनी है एंड ये आपकी एल शेप बालकनी है, स्लाइडिंग बालकनी रहेगी. यहाँ पर आपका बेडरूम नंबर 2 है, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं एंड बेडरूम नंबर 3 के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं. गाइस, आपको दिव्यान सोनिक्स में जो अंदर की अमेनिटीज है उसके साथ साथ आपको बाहर की भी अमेनिटीज एक्सेस करने को मिलेंगी. यहाँ पर इस टाउनशिप में एक कॉमन पार्क एरिया डेवलप किया जा रहा है. फिलहाल आप ये जो आगे मेरे लैंड देख सकते हैं, अभी फिलहाल वो डेवलप नहीं किया गया है, बट इसी लैंड में यहाँ पर एक प्रॉपर 1 एकड़ का ग्रीन पार्क डेवलप किया जाएगा, जिससे कि आसपास के प्रोजेक्ट के लोग एंड दिव्यांश ऑनिक्स के लोग एक्सेस कर सकेंगे. प्लस दिव्यांश ऑनिक्स का आप यहाँ से क्लब हाउस भी देख सकते हैं. क्लब हाउस फिलहाल वहाँ पे काम चल रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है एंड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. So guys, that was all about our today's project Divyansh Onyx. आपको ये project कैसा लगा, plus यहाँ का आपको sample apartment कैसा लगा, हमें comment करके जरूर बताइएगा. अब हम video के end में आ चुके हैं. Video में end करूँ उससे पहले मैं आपको इस project की कुछ USPs बताना चाहूंगी, major key points बताना चाहूंगी. तो सबसे बड़ी जो USP है इस project की वो है इसकी location. लोकेशन एडवांटेज आपको काफी सारे यहाँ पर मिल जाते हैं, वो मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बता चुकी हूँ. प्लस कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी यहाँ से आपको काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है एंड वो भी हम वीडियो के शुरुआत में ही डिस्कस कर चुके हैं. इतनी अच्छी कनेक्टिविटी शायद आपको किसी और लोकेशन पर नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से आपको चारों जगह की कनेक्टिविटी मिल जाती है, चाहे फिर वो दिल्ली हो, नोएडा एक्सटेंशन हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो या फिर ग्रेटर नोएडा हो. तो सभी जगह की कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत ही ज्यादा अच्छी है. नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है तो वो है अफोर्डेबिलिटी. जो प्रोजेक्ट है ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में आता है. यूजुअली अगर आप नोएडा एक्सटेंशन के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको आज के टाइम पे एक नॉर्मल सा 2 BHK आपको अराउंड 60+ में, जो एक मैं एवरेज रेट बता रही हूँ, एवरेज रेंज बता रही हूँ, तो आपका 60 से 70 लाख रहेगा. बट यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा कम रेट में आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है, 2 BHK मिल जाता है. आपको जो प्राइस है वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी बता दूंगी. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको आसपास मेजर हॉटस्पॉट सारे मिल जाते हैं. उसके बाद एक और अच्छी चीज ये है कि ये आपका रेडी टू मूव इन सेगमेंट का प्रोजेक्ट है. बहुत ही कम ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं NCR में रेडी टू मूव इन सेगमेंट का, वो भी फ्रेश यूनिट्स में. साथ ही साथ दिव्यांश ऑनिक्स में 3 से 4 फैमिलीज ऑलरेडी मूव इन कर चुकी हैं एंड जनवरी तक यहाँ पर और भी फैमिलीज मूव इन कर जाएंगी. उसके अलावा मैं बात करूँ दिव्यांश ऑनिक्स के बिल्डर के बारे में, तो बिल्डर ने भी सक्सेसफुली 4 प्रोजेक्ट अपने डिलीवर कर दिए हैं. उनमें से कुछ प्रोजेक्ट के नाम मैं आपको बताना चाहूंगी, वो रहेंगे आपके दिव्यांश फ्लोरा, दिव्यांश फेबियो, आर्क एंजल्स एंड स्काडी ग्रीन्स. तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर हो चुके हैं एंड इनमें लोग रह रहे हैं. प्लस ये वाला प्रोजेक्ट भी आपका ऑलमोस्ट डिलीवरी के कगार पर है, यहाँ पर लोग ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं. प्लस धीरे धीरे और भी लोग यहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे. एंड गाइस, अगर अब मैं बात करूँ यहाँ के स्टार्टिंग प्राइस के बारे में, तो यहाँ पर आप एक 2 BHK सिर्फ और सिर्फ 54.80 लाख में ओन कर सकते हैं. जी हाँ, प्लस यहाँ का जो हाईएस्ट जो प्राइस रहेगा वो रहेगा आपका 1.25 CR. तो जो 4 BHK का जो आपका बड़ा साइज है उसको आप सिर्फ 1.25 CR में खरीद सकते हैं एंड 2 BHK यहाँ पर आपको सिर्फ 54.80 लाख में मिल जाएगा. सो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेंज का प्रोजेक्ट है. एंड गाइज, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं, तो जल्दी से आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी. एंड उसी के साथ साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी और वीडियो में. तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.